हाई गाइज वेलकम टू एम एच लॉ सीटी थ्री ईयर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पेपर एनालिसिस सो डे वन एंड डे टू सारे स्लॉट्स को लेकर के स्लॉट वन स्लॉट टू स्लॉट थ्री एंड बेसिकली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट्स का एग्जाम था बोर्ड द डेज सो वी 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 लुक एट द कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर बिफोर वी स्टार्ट इस साल मैंने भी एग्जाम लिखा था लाइक एवरी ईयर एवरी ईयर आई राइट सी टी एग्जाम सो इस साल भी मैंने एग्जाम लिखा था बट डोंट नेट टू वरी आई हैव नॉट अटेपेड अंगल क्वेश्चन बहुत बच्चे कमेंट करते सर कि आप क्वेश्चन अटेंड मत करना अरवाइज कट ऑफ ऊपर जाएगा सो डोनेट वाली मैंने कुछ अटैम्प्ट नहीं किया सिर्फ मेरा जीरो मार्क्स आएगा हर साल की तरह मेरा जीरो मार्क्स आता है आई हैव जस्ट appeared the एग्जाम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइप के क्वेश्चन नए क्वेश्चन जो एड हुए हैं जंबल पैटर्न था इस साल एंड डिफिकल्टी लेवल सो दैट ट्रेनिंग में आपके जो कोचिंग होगी आपके जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसमें उस टाइप उस के क्वेश्चन एड होने चाहिए एंड इन द मॉक टेस्ट ऑल्सो सो दिस इज वॉट वी डू एवरी ईयर सो दट इज़ वॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ मेनुअर एवरी ईयर ऑल द फैकल्टी राइट द एग्जाम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या आ रहा है सो so दैट बच्चों लोग को वो सेम कॉन्टेंट मिलना चाहिए सो वंस दे गेट सच काइंड ऑफ अ कॉन्टेंट तो एग्जाम तो निकलना ही है बाकी तो मेहनत आपकी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टॉक अबाउट दी वॉट आर द चेंजेस हैपेन सबसे पहले तो जम्बल पेपर था दैट इज़ अ वन जो मैंने डे काफ़ी आपका एम सी और एम बी ए का एग्जाम सी टी का हो रहा था तभी मैंने बता दिया था कि पेपर आपका जम्बल होगा बट लकली वी हैव लॉन्च द जम्बल मॉक टेस्ट और वर्क कर गया वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव स्ट्रेटेजी And uh, after then all the instruction if you could have followed since I guess 15 to 20 days से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और सेम चीज़ हुई है ज़्यादा करके ट्रेडिशनल लॉजिक पर उन्होंने फोकस किया हुआ है इन एडिशन टू दिस स्ट्रैटिक जी के क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आए हुए हैं मेनअर का अगर आपने लेक्चर अटेंड किया था पी डी एफ़ बूस्टर्टर्टर्स एंड आपका वीडियोज तो सारे क्वेश्चन मैक्समम क्वेश्चन वहाँ से था मतलब स्टूडेंट ने सीधा बोला सर अपने मॉक्सेस से क्वेश्चन आया हुआ है सर अपने पी डी एफ में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये हुआ है इस साल सो so, बहुत सारे लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ है और पेपर का लेवल ओवरऑल आई रेट मॉडरेट इजी से मॉडरेट के रेंज में बोल सकते हैं सो मॉडरेट इज द गुड वर्ड मॉडरेट बोल सकते क्योंकि किसी स्लॉट में पेपर टफ भी हुआ है किसी स्लॉट में इजी लाइक स्लॉट थ्री काफ़ी इजी था कंपेयर टू स्लॉट वन एंड टू तो आई एम नॉट सेइंग कि पेपर आपका ओवरऑल टफ ही था स्लॉट वाइज वेरी करेगा बट इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल एम एच लॉसिटी थ्री ईयस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का पेपर कैसा था तो आई से मॉडरेट था सो लेट स्टार्ट विद दी एनालिसिस सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस करेंगे एंड आप भी बताना कि आपका पेपर कैसा गया और जो जो मैंने गाइडलाइंस दी थी उससे कितना फ़ायदा हुआ और कितने लोग का पेपर एकदम फोड़ू गया हुआ है दस पंद्रह दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपका सो होपफुली सबका रिजल्ट अच्छा है ठीक है सो बिफोर वी प्रोसीड गाइज दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस की बैचेस भी लॉन्च हो गई है

एंड जो आर सी आ रहे हैं वो मेनली वो कैब ओरियंटेड आर सी थे ठीक है सो वो कैब को ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया हुआ है तो so, क्या क्या क्वेश्चन आए थे डबल लाइन फिलर के अप्रोक्सीमेट सिक्स क्वेश्चन सिंगल लाइनर के सेवन क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट एरर डिटेक्शन से वन टू टू क्वेश्चन सिनोनियम से फोर क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन थ्री क्वेश्चन पैराग्राफ जंबल किसी में आया था किसी में नहीं आया था तो जीरो टू वन वर्ड एंड फ्रेज को लेकर के थ्री क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट और बेन आउट वन क्वेश्चन वन वर्ड सबसे एट एंटोनियम्स फोर कॉम्प्रियशन फाइव क्वेश्चन वन आर सी ई डी एम्स को लेकर के फोर क्वेश्चन एक्टिव पैसिफिक भी इस साल पूछा हुआ है सो टू क्वेश्चन एनॉलोजी को लेकर टू क्वेश्चन दिस इज वॉट द रफ ब्रेकअप ऑफ योर फिफ्टी क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश सो इस साल का जो इंग्लिश का सेक्शन था वो वो कैब ओरिएंटेड था तो so आपको क्या करना है अगर आप दो हज़ार बाईस के लिए दो हज़ार तेईस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्ड पावर मेड इजी ये बुक पे काम करना चालू कर दो आपकी वो कैब सारे मैक्सिमम वो कैब आपके वर्ड पावर मेडिजी से थे एंटोनियम ले लो सिनोनियम ले लो स्पेल चेक ले लो और आपके फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन थे मैच द फॉलोइंग जो थे तो अपने को वर्ड पावर मेडिजी करना चाहिए सोफ यू हैव प्रिपेयर वेल फॉर द इंग्लिश सेक्शन सो आराम से आपका स्कोर 36 से 38 बनेगा आउट ऑफ 50। आई विल नॉट सरप्राइज अगर कोई 40 प्लस भी हिट करेगा तो क्योंकि सेक्शन ईजी था स्कोरिंग था नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग एनॉलॉजी टू क्वेश्चन नंबर सीरीज और फोर क्वेश्चन वेन डायग्राम थ्री टू फोर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग टू क्वेश्चन सिलॉक को लेकर वन क्वेश्चन डायरेक्शन रैंकिंग वन टू टू क्वेश्चन किसी स्लॉट में आया था किसी स्लॉट में नहीं आया था कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट को लेकर के थ्री प्लस क्वेश्चन अरेंजमेंट पजल को लेकर किसी में एक सेट आए थे किसी में दो सेट आए थे सो रफली आपका ये टेन प्लस क्वेश्चन पकड़ के चलो अल्फ़ाबेट टेस्ट टू क्वेश्चन लेटर एंड नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन वन क्वेश्चन अप्रॉक्समेट और बेन आउट थ्री क्वेश्चन सो दिस इज वॉट द रफ ब्रेकअप फॉर दी लॉजिकल रीजनिंग सो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आउट से ईजी से मॉडरेट वो भी था आराम से यहाँ पर स्कोर बन सकता था और सारे टॉपिक मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था एनलॉजी करके जाओ सीरीज करके जाओ कोकोडिंग डोडिंग करके जाओ यहाँ से क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आ रहा है ट्रेडिशनल लॉजिक से तो so जितने लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉलो की थी दे आर इन विन विन सिचुएशन आराम से थर्टी में से यहाँ पे ट्वेंटी फाइव प्लस तो बोल सकते हो कि अपना स्कोर बनेगा इफ यू आर हिटिंग ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अप्रॉक्सिमेट दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर बट ट्वेंटी फाइव प्लस आइडियल आई सजेस्ट की गुड स्कोर है ना नेक्स्ट इज जी के एंड करंट अफेयर्स इस साल जीके से क्वेश्चन ज्यादा आए थे एंड आपका जो लीगल एरिया था लीगल एप्टीट्यूड वहां से क्वेश्चन कम हो गए सो स्टार्टिंग जीके को लेकर अप्रॉक्सीमेट फोर्टी प्लस क्वेश्चन फोर्टी थ्री क्वेश्चन का ब्रेकअप एक मिला हुआ है मुझे करंट अफेयर्स को लेकर टेन प्लस क्वेश्चन सो ओवरऑल फिफ्टी प्लस क्वेश्चन इस साल करंट अफेयर्स से आए हुए हैं आइडली इसका जो वेट है जो फोर्टी क्वेश्चन का है बट सिंस पेपर वॉज इन जंबल फॉर्मेट तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे सो so, जितने भी लोगों ने पी डी एफ मॉक टेस्ट लेक्चर्स को अच्छे से किया था उनका यहाँ स्कोर बनेगा बहुत ही ईजी लेवल का स्ट्रैटेजी का था बहुत टफ नहीं था इस साल पहली बार हुआ है कि सी टी ने जी के का सेक्शन काफ़ी ईजी पूछा हुआ है सो आउट ऑफ फिफ्टी आई स्ट्रांगली से कि थर्टी फाइव प्लस तो कहीं नहीं गया अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की थी सारे पी को अच्छे से किया था तो 35 प्लस तो कहीं नहीं गया है बट या आई हैड अ वर्ड विद मेन्यू ऑफ द स्टेन उनका बोला है सर अपना तो 40 के ऊपर जाने वाला है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन राइट करके आए हैं एंड दे हैव चेक दम कि क्वेश्चन राइट है सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल तो 40 प्लस आपका भी जा सकता है बट या दिस इज वॉट द एक्सपेक्टेड स्कोर वन शुड हैव थर्टी प्लस आउट ऑफ 50. और इट नेक्स्ट इज नथिंग बट लीगल एप्टीट्यूड इस साल लीगल एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए और लीगल एप्टीट्यूड के साथ लीगल जीके भी आया था तो 15 टू 17 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेट सो फिफ्टी फिफ्टी पकड़ लो लीगल एप्टीट्यूड से सात से आठ क्वेश्चन और आठ से नौ क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेट फॉर द लीगल जीके तो ये ब्रेकअप था इस साल लीगल एप्टीट्यूड का वेटेज काफ़ी डाउन हुआ जो मैंने बहुत पहले भी बोला था कि लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कम हो सकते हैं और मैथ्स टाइप के क्वेश्चन ये भी ऐड होंगे तो दो तीन क्वेश्चन लॉजिक में ऐड हुआ था मैथ्स का नंबर सीरीज़ कभी नहीं आ रहा था यार मतलब सी ई टी लिखा है मैंने उन्नीस लिखा है बीस लिखा है कभी नहीं आया दो में आया आपका नंबर सीरीज़ सो दैट इज़ वाई ऑल द लेक्चर्स विच वी टेक उसमें से कुछ भी आ सकता है तो अपन ने सारी चीज़ अच्छे से की थी और पीपल हैव हिट गुड स्कोर सो लीगल सेक्शन इतना भी टफ नहीं था आराम से यहाँ पे टेन प्लस का स्कोर बनेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है अच्छे से प्रिपरेशन की है, सो so, और इट्स सो कट ऑफ वाइज इफ यू टॉक अबाउट इस साल का जो टॉपर होगा वन थर्टी टू से लेकर वन थर्टी फाइव का स्कोर यू कैन एक्सपेक्ट टॉपर का लास्ट ईयर इट वॉज वन वन एट बट इस साल डेफिनेटली आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा बिकॉज पेपर इजी था जी एल सी मुंबई के लिए स्कोर वन ट्वेंटी से लेकर वन ट्वेंटी फाइव का रेंज दिस इज द अगेन रफ कट ऑफ आई एल एस पुणे वन वन फाइव दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ यू कैन से फॉर बींग टॉपर एंड जी एल सी एंड फॉर द आई एल एस ना यू टेलमी कि आप क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एग्जाम में आएगा कमेंट में लिख के बताओ कि क्या स्कोर आपका आने वाला है एंड या डोंट फर्गेट टू कलेक्ट द रिवॉर्ड्स सो वंस यू गेट द रिजल्ट काइंडली कलेक्ट योर रिवॉर्ड्स अगर आप मैनुअल स्ट्रेंड थे और आपका टॉप थ्री में अगर आप हो सो काइंडली कलेक्ट द रिवॉर्ड टेन थाउजेंड एंड सम अमाउंट्स का रिवॉर्ड है सो डू कलेक्ट इट एंड मेरे साथ एक पॉडकास्ट करेंगे अपन सो ऑल द थ्री टॉपर्स वंस रिजल्ट विल आउट वी विल सेलिब्रेट ठीक है अपन सेलिब्रेट करेंगे एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग आर अचीवमेंट यार काफ़ी मेहनत की है इस साल इतना डिले हुआ एग्ज़ाम बट हमने पेशेंस लूज नहीं किया हमने अच्छे से प्रिपेयर किया मेहनत की लॉट्स ऑफ चेंजेस इन फैक्ट हैपन बट सब ने उसको पोप अप किया और दिस इज़ वॉट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर काइज जीके को लेकर के एनालिसिस का वीडियो कल आ जाएगा एक्चुअल जो क्वेश्चन आए थे उसका पूरा आपको डेटा मिल जाएगा कल सो so, कल तक वेट कर लो जीके के क्वेश्चन को लेकर के मोस्टली कल इवनिंग तक आ जाना चाहिए एंड या वंस अगेन 2022 एंड 23 थ्री नियर एंड डियर जो भी आपके फ्रेंड लेटिव आई वॉन्ट टू प्रिपेर सो यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर एंड शेयर दिस वीडियो टू देम ऑल्सो इस साल काफी चेंजेस हुए सिटी में दो हजार में भी लिखने वाले तो नेक्स्ट ईयर भी ये चेंजेस हो सकते हैं राइट और एट नाउ लेट्स वेट फॉर द एग्जाम एंड सबका रिजल्ट अच्छा आने वाला है आई नो टिल देन स्टे ट्यून ऑल द वेरी बेस्ट